मदन मुक्त जसपुर है और यहाँ पर सार्वजनिक पूर्व बस स्टैंड में अभी हमारे भाई मित्र मिल जुल कर देख सकते हैं। तो और भाई लोग क्या हाल चाल, जय हो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ प्रशांत कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले हम लोग जसपुर ट्रिप पे गए थे, एक दिन का ट्रिप था छोटा सा। तो मैं आपको बताऊँगा जसपुर ज़िले के बारे में और वहाँ क्या क्या देखने को मिलता है, तो वीडियो मेरे साथ बने रहें। और जो भी भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रशांत शुक्रा है और मैं आज आपको दिखाऊंगा खांसाबेल से जसपुर जाने का रास्ता। यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर है जसपुर और पत्थलगांव 36। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग खांसाबेल के पास रुके हैं और यहाँ कुछ दूरी बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे, तो वीडियो में सब बने रहें। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग खांसाबेल के पास रुके हुए हैं और यहाँ से जसपुर लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है और जो ये वाला रास्ता है शायद पत्थलगांव जाता है और ये वाला बगीचा। तो चले चलते हैं और देखते रहें वीडियो में। खांसाबेल से निकलने के बाद कुछ ही दूरी पर हमें एक बहुत ही सुंदर घाट देखने को मिलता है जिसका नाम बेला घाट है और यह सुंदर होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग बंदरसुआ बस स्टैंड पहुंच चुके हैं और ये वाला जो है बंदरसुआ है और यहाँ चौक से दोपड़ा जाने का रास्ता है 8 किलोमीटर लगभग। हम लोग पहुंच चुके हैं गुनगुरी और यहां से अपने को राइट में लेना पड़ेगा बस स्टैंड के लिए। ये आपका गुनगुरी का बस स्टैंड है। फ्रेंड्स, गुनगुरी जसपुर जिले का एक बहुत ही सुंदर जगह है। यहां पर बहुत सारे पर्यटन स्थल और यहां पर एक कैथोलिक चर्च है जो एशिया का वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट चर्च है। फ्रेंड्स, हम लोग अभी लोरो घाट पहुँच चुके हैं और यह जसपुर पहुँचने से 10-12 किलोमीटर पीछे पड़ता है जो कि बहुत ही खतरनाक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, घाट के ऊपर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर, और आप यहां पर आते हैं तो अपने स्वेच्छा से दान कर सकते हैं और देख सकते हैं यहां से, और यहां से कुछ इस प्रकार का व्यू दिखाई देता है, देख सकते हैं यहां ये वाला घाट कितना ही खतरनाक है भाई, और देख सकते हैं चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ यह। फ्रेंड्स, जसपुर जिले को छत्तीसगढ़ का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। जसपुर ज़िले में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं और टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो जसपुर ज़िला अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस है, तो आप यहां पर एक बार ज़रूर घूमने के लिए आएँ।
यह बहुत ही अच्छा जगह है और यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारे जगह हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से बस स्टैंड लगभग 3 किलोमीटर है और कलेक्ट्रेट 1 किलोमीटर, और यहाँ पर और भी बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, गुल्लू फॉल लगभग 35 किलोमीटर है और देश देखा 15 किलोमीटर और सोगरा आश्रम की दूरी यहाँ से 14 किलोमीटर है। तो चले चलते हैं और दिखाता हूँ मैं, और दमेरा घाट यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर है। तो चले चलते हैं और वीडियो में बने रहें और देखते रहें वीडियो। यहाँ का होटल है, यहाँ आप रुक सकते हैं। ये वाला यहाँ का न्यायालय है, देख सकते हैं तहसील वगैरह कार्यालय जितने भी ऑफिशियल वर्क यहाँ किए जाते हैं। और ये वाला यहाँ का कलेक्ट्रेट, ये वाला कलेक्ट्रेट परिसर है। ये है स्टेडियम, अंदर चले गए तो देख सकते हैं, ये है रंजीता स्टेडियम। और चलिए देखते हैं आगे सिटी में अपने को क्या क्या मिलता है। और ये थाना सिटी कोतवाली जसपुर, बहुत ही गजब का यहाँ पे अपने को पेड़ देखने को मिला है, कलरफुल। राजा देवसर जिला चिकित्सालय जसपुर। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग महाराजा चौक के पास पहुंच चुके हैं और चले चलते हैं और दिखाता हूं मैं बस स्टैंड का व्यू और महाराजा चौक का व्यू दिखाता हूं। तो देख सकते हैं ये वाला महाराजा चौक है और राइट साइड अगर हम जाते हैं तो वाला बस स्टैंड लेके जाएगा, और ये वाला लेफ्ट साइड अंबिकापुर। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक खूबसूरत तालाब और पहाड़, और ये मेरे दोस्त लोग। और ये वाला जो है नेशनल हाईवे है, ये वाला शायद रांची भी लेके जाता है ये वाला रास्ता। तो चले चलते हैं और मिलते हैं बस स्टैंड में। बस स्टैंड पहुँच चुके हैं हम जसपुर का, और यहाँ सामने देख सकते हैं आप लोग बहुत ही बड़ा विशाल क्या का पेड़ है, पीपल का पेड़। और फ्रेंड्स यही है जसपुर का बस स्टैंड, थोड़ा इधर लेफ्ट में शौचालय बस स्टैंड से नजदीक में ही है। जसपुर बस स्टैंड में अभी हमारे भाई मित्र मिल चुके हैं, देख सकते हैं। स्वागत है राज, कैसे हेलो कर दीजिए थोड़ा। हाय हेलो हेलो, ठीक है। तो दिखाते हैं यहाँ का व्यू और क्या। हम लोग इधर है, कौन है, रविशंकर पटेल, प्रशांत सुकरा और ददीची जी चश्मा वाले और हम लोग यहाँ पे भी खड़े हैं जसपुर बस स्टैंड पे। तो दिखाते हैं आगे का सीन क्या क्या है जसपुर में। पुलिस रिजर्व क्या है, केंद्रीय आरक्षित, और इस जसपुर है जो धूम्रपान मुक्त जसपुर है, और यहाँ पर सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करना अपराध है और यहाँ पर 200 रुपये फाइन लिया जाता है। जसपुर जिले का NES कॉलेज देख सकते हैं यहाँ, ये वाला NES कॉलेज, और ये यात्री प्रतीक्षालय यहाँ का,
और यहाँ पर संकल्प कोचिंग देख सकते हैं, यहाँ पर BSc वगैरह और IIT की तैयारी करवाया जाता है। यहाँ दिगंबर जैन मंदिर है जसपुर का, मुंडा चौक है यहाँ देख सकते हैं। हाँ मैं आज आपको घुमाऊंगा जसपुर का मार्केट, तो चले चलते हैं और वीडियो में मेरे साथ बने रहें और दिखाता हूं मैं जसपुर के मार्केट का व्यू। ये वाला प्रेम सुधा होटल है, आप यहाँ पर रुक सकते हैं।